बलरामपुर में एक लंबे वक्त तक राजनीति करने वाले पूर्व सांसद रिजवान जाही ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में की थी। वो साल 1985 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद जिले में आए थे। इसके बाद रिजवान ने राजनीति की शुरुआत की थी। रिजवान जाही साल 1989 में निर्दलीय, 1993 से सपा और 1996 में बसपा पार्टी से तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक चुने गए। इसके बाद रिजवान जाही साल 1998 और 1999 में सपा के टिकट पर बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद भी रहे। इसके अलावा उनकी पत्नी हुमा रिजवान जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही। आपको बताते चले कि 2005 और 2010 वाले सत्र में जिले के सबसे ताकतवर पद पर रही। वहीं वैसे रिजवान जाही ने अपने भाई सलमान जाही और नौमान जाही को भी दो बार विधानसभा चुनाव लड़वाए, लेकिन दोनों को ही सफलता हाथ नहीं लगी। फिलहाल अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि रिजवान जाही की सियासी करियर बहुत तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ा, लेकिन इसके बाद वो अपना रुतबा कायम नहीं रख पाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो खुद के ऊपर लगे आरोप में बरी हो पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो जनता में उनकी लोकप्रियता इमोशनल रूप से बढ़ सकती है।